2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से, न्यू अप्रोच से, एक पैराडाइम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूं, प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। पिछले 25 साल से भारत सरकार की इंटरवेंशन रही है स्कूली शिक्षा में, कॉन्करेंट लिस्ट में ये व्यवस्था है, लेकिन इस बार थोड़ा उसमें से एक नई रूप दिया जा रहा है। जो वर्टिकल में, जो व्यवस्थाओं में पैसा दिया जाता था उसको रखते हुए, उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए, उसकी दायरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है, यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको NEP में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसे सारे कई विषय को उल्लेख किया गया था, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस 4 मूल पिलार के आधार पे 11.6 लाख स्कूल्स, 15.6 करोड़ स्टूडेंट्स, 57 लाख टीचर और विथ सम मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेजरेबल भी किया जाए, KPI आधारित इसकी रचना की गई है। अगर मैं उसकी 3, 4, 5 प्रमुख बिंदु आपके सामने रखूं, क्या ये पिछले दिनों से फर्क है। पहली बार देश में, जैसे मैंने कहा कि 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना, जो हम लोग शहरों में दिखते हैं या गांव में आंगनबाड़ी दिखते थे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत इसको एक फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। प्ले स्कूल, थोड़े दिन पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल की अवसर पे उन्होंने इस विषय को देश को संबोधित करते हुए कहा था, सरकारी स्कूल में भी अभी प्ले स्कूल शुरू हो जाएगी। ECC उपक्रम के लिए उस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए लर्निंग मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल में भी व्यवस्थित प्री प्राइमरी सेक्शंस खड़ा करना, बाल वाटिका को फॉर्मल रूप देश भर में स्कूली शिक्षा में दिया जाएगा, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी सोचा गया। 2 विषय पे, बच्चा जब, बालक बालिका जब प्रारंभिक दिनों में रहता है, उसकी गणित की क्षमता क्या है, कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल्स की एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी लैंग्वेज की स्पष्टता कैसे है, वो डिलीवरी कैसे कर लेता है, पढ़ कैसे लेता है, उसको दिखते हुए
एक विशेष इनिशिएटिव शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किया गया जिसको नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी निपुण, ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव इस समग्र शिक्षा की एक प्रमुख कंपोनेंट रहेगा जिसमें मैंने केजी जिसको कहा जाएगा केजी इस बार 3 होगा 1, 2, 3 उसको नाम आगे चल के सोचा जाएगा, जो तीसरे साल की केजी यानी क्लास 1 की पहला और 1, 2, 3 ऐसे 4 साल के लिए ये निपुण फोकस रहेगा और इसे टीचर्स की ट्रेनिंग और उसको एक बेंचमार्क है इतने स्तर की नॉलेज ज्ञान विद्यार्थियों में आना चाहिए उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने निष्ठा जैसे इनिशिएटिव जिसमें निपुण एक बड़ा कंपोनेंट रहेगा निष्ठा को भी समग्र शिक्षा में जोर दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी बच्चों की सुरक्षा, अगर 3 साल में बच्चा कुछ समय के लिए विद्यालय जाएगा शाला जाएगा सबकी चिंता रहती है बच्चों की सुरक्षा की क्या है, सरकार ने समग्र शिक्षा में पहली बार इस कंपोनेंट को जोड़ा है। राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा, एक चाइल्ड राइट्स चाइल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक राज्य कमीशन बनाएगी उसकी वित्तीय व्यवस्था किया जाएगा और पहली बार बच्चों की सुरक्षा के बारे में भारत सरकार भी जिम्मेवारी ले रही है। सेकेंडरी लेवल पे दूर दराज इलाका में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ नहीं पाता है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी, जाने आने की दिक्कत रहती है, उस अभाव से रह जाता है, समग्र शिक्षा में व्यवस्था किया गया है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको खर्चा दिया जाएगा। स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में चिंता करने के लिए विशेष करके समाज की जो वंचित वर्ग है एससी एसटी ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए 16 से 19 साल की आयु के अंदर, पहले 14 साल तक था अभी बियॉन्ड 14 साल भी समग्र शिक्षा में उसकी चिंता की गई है, उसको भी चिंता किया जाएगा, विशेष करके उनके अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। समग्र शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा गया है, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की कल्पना की गई है, जैसे कुछ दिन पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरू की गई, उसी दिशा में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जिसमें एक एनडीआर एक डिजिटल आर्किटेक्ट की कल्पना की गई है नई शिक्षा नीति में, जिसमें बच्चा 3 साल से जाने के उपरांत उसकी फॉर्मल पढ़ाई इनफॉर्मल स्किलिंग खत्म होने तक उसकी एक क्रेडिट बैंक की सिस्टम रहेगी, उसी के अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, उसके बारे में भी चिंता किया गया है। स्कूल में खेल बढ़े, आदरणीय खेल मंत्री अभी उपस्थित है इस वार्ता में भी, उनकी भी विभाग और स्कूल विभाग पहले से खेल के बारे में ध्यान दिया है, इस बार एडिशनल ग्रांट दिया जाएगा खेल की आयामों के लिए। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबकी चिंता है, अभिभावकों की विशेषज्ञों की समाज की बहुत सारे बुद्धिजीवियों की चिंता रहती है स्कूली शिक्षा को थोड़ा कम बोझिला किया जाए, बैगलेस क्लास बैगलेस स्कूल डेज ये कल्पना आई है, उसको सामने रखते हुए एक लोकल इंडस्ट्री आर्टिसन के साथ
ऐसे कैरिकुलम, ऐसे पेडागोजी बनाई जाएगी जिसमें कन्वेंशनल जो उस इलाका में जो व्यवस्था है, जो उद्यमी है, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स के साथ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में पढ़ने वाले लड़कों को 10 दिन की इंटर्नशिप भेजा जाएगा और उसकी क्रेडिट पॉइंट उनकी कैरियर में जोड़ी जाएगी। इसकी इनिशिएटिव इस व्यवस्था में है। टीचर ट्रेनिंग के कई सारे आयाम उसमें से रहेगी। जैसे हमने कहा, शिक्षा को इक्विटी और इंक्लूसिव करने के लिए कई इनिशिएटिव गुणात्मक दृष्टि से समग्र में अटेंड किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक कंटिन्यूअस और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उसकी दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसकी अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। 12वीं तक उसको आगे व्याप्ति किया जाएगा, विशेष करके जो पिछले इलाका में जहां जहां ये चलती है उस इलाका में। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसके लिए 3 महीने की प्रशिक्षण जो पहले से भी होते रहता, जो 3,000 रुपया उसमें खर्चा किया जाता था उसमें 5,000 तक उसको बढ़ाया जाएगा। जो दिव्यांगों के अंदर बच्ची है, लड़की है हमारी, उसकी इंसेंटिव बढ़ाया जा रहा है। उसको जो अभी तक मिलता था उसके ऊपर 10 महीने के लिए प्रति माह 200 रुपया ज्यादा, यानी 2,000 रुपया ज्यादा, 3,000 रुपया पहले मिलता था उसके ऊपर गर्ल्स चाइल्ड के लिए 2,000 रुपया एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। मित्रों, इस समग्र में दो ऐसे और कंपोनेंट है जिसको मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कल्पना है, पढ़ाई और कमाई एम्प्लॉयबिलिटी पे जोर दिया जाएगा। स्किल और स्कूल इसको परिपूरक और किया जाएगा, इसीलिए ये समग्र में योजना की गई है। वोकेशनल एजुकेशन पे और जोर दिया जाएगा, स्किल इकोसिस्टम पे और जोर दिया जाएगा। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक 6, 7, 8 उसकी एक्सपोजर बढ़ाई जाएगी। 9, 10 और 11, 12 इसमें आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परंपरागत स्किल से लेके 21वीं सदी में जो नई अर्थनीति आएगी, जो नई समाज जीवन व्यवस्था होगा, जिसकी अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं, अभी अभी 29 जुलाई की प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 2-3 कैप्सूल का लोकार्पण किए जिसमें स्कूल में ये 3 फेज में 6 से 9, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या व्यवहारिकता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग की क्या व्यवस्था है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की क्या स्किल की प्राइमरी लेवल पे आवश्यकता है, से लेके अभी जो चलने वाले स्किल इकोसिस्टम है उसको कैसे फॉर्मली स्कूल व्यवस्था पे जोड़े, उसकी व्यापक इंटरवेंशन चिंता किया गया है। उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया गया है। धीरे धीरे जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन है, पिछले 15 अगस्त में उन्होंने कहा था 1000 दिन के अंदर भारत की 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, गांव में इंटरनेट के सबसे ज्यादा लाभार्थी स्कूल होने वाला है, उसलिए धीरे धीरे स्कूल की ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे कन्वर्ट होने के रास्ते में आ रहा है। आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम, डीटीएच चैनल, डिजिटल बोर्ड्स, ये सारे मैसिव व्यापक तरीके से स्कूल की संरचना में जुड़े, उसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन इस समग्र की एक मूल फीचर है। मित्रों, धीरे धीरे देश 21वीं सदी की ओर जब आगे बढ़ेगा, भारत जैसे एक डेमोग्राफिक डिविडेंट
कि एडवेंटेज देश अपने संबल को, अपने मानव संबल को समय की आवश्यकता से तैयार करे, इसी की एक विनम्र प्रयास समग्र 2.0 है। वो अटल जी की समय की सर्व शिक्षा अभियान हो या माननीय प्रधानमंत्री जी की पहला कार्यकाल में समग्र 1 हो या अभी समग्र 2 हो, उसी दिशा में एक बड़ी छलांग की प्रयास है। आज इसकी मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा आप लोगों के माध्यम से। उन्होंने लगभग आने वाले 5 साल में शिक्षा जैसे बुनियादी व्यवस्था में 3,00,000 करोड़ तक का एक सैंक्शन करके देश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। धन्यवाद मित्रों।